हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा चौधरी, आप सबके दोस्त पूजा ओम प्रकाश चौधरी चैनल से। और आज मैं एक और बहुत धमाकेदार मूवी का टीजर ट्रेलर रिव्यू लेकर के आई हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ आप सबको देखनी चाहिए, जो इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, फनी है, सब कुछ है, सब लेवल्स में अपने कहते ना अपने आप को डिफाइन करता है। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज कहूंगी, क्योंकि ये जो मूवी है वो भोजपुरी है, यानी कि बिहार से रिलेटेड है। बिहार में अभी काफी दंगे फसाद तो नहीं कह सकते, पर हाँ बहुत ज्यादा क्लैशेस अभी चल रहे हैं। कुछ जो सुपरस्टार है उनकी बेटी पे गाना बनाया जा रहा है, फिर जो आरती है उनके पीछे पड़ गया कि आपने शादी आखिर करी तो करी क्यों। अरे यार, मतलब पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी स्टार के गाने से अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज आप उस गाने को मत देखिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है कि अगर मैं कोई चीज गलत गा रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ तो प्लीज आप उसे मत देखिए, क्योंकि डायरेक्टर्स को लगता है कि हाँ जो चीज लोग देख रहे हैं उसी चीज में इंसान इन्वेस्ट करेगा ना। अगर मेरी जिस वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं फिर मैं उसी से रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी ना। तो एक साफ सी बात है, अगर आपको नहीं पसंद आप मत देखिए, वो आपको जबरदस्ती तो नहीं कहते। अगर वो कि कोई गाना बना रहे हैं जो हाँ नहीं है देखने लायक या फिर ऐसी नहीं है वैसी नहीं जो भी है, तो उसके जिम्मेदार भी हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, हम ही बढ़ावा दे रहे हैं, तभी तो वैसे गाने बन रहे हैं, चल रहे और हिट भी जा रहे हैं। सो इसमें कोई क्लैशेस करने की जरूरत नहीं है, किसी के बेटी का नाम उछालने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई, बहुत ही कहते ना गिरा हुआ काम हो गया। अब पूरे मसले की जानकारी तो मुझे भी नहीं है कि क्या नहीं है, लेकिन किसी की बेटी का नाम बीच में ला करके उसके ऊपर कोई गाना बनाना ये बहुत अभद्र व्यवहार है, तो प्लीज इसे ना करिए। बिहार के लोगों का नाम बहुत ऊंचा लिया जाता है आईएएस में, आईपीएस में, बहुत सारे गवर्नमेंटल सेक्टर्स की जॉब्स में, बहुत ज्यादा ही उन्हें इंटेलिजेंट भी माना जाता है। तो प्लीज ऐसे हरकतें करके उन लोगों का नाम तो मत बर्बाद करिए। सो अभी के लिए उतना ही, उसी से रिलेटेड मैं एक और मूवी लेकर के आई हूँ, बिहार की मूवी ऑफ कोर्स, जिनको प्यार से सभी निरहुआ भी कहते हैं उन्हीं की मूवी है। ये मूवी को 1 month हो गया है, लेकिन रिव्यू है कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे जाकर के जरूर देखिए, या देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, या फिर कितना मजेदार, या फिर जो मैंने बोला या जो मैंने रिएक्शन दिया उसके अलावा भी मुझे और कुछ रिव्यू बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। तो ज्यादा ना बातें करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ वीडियो हो चुका है स्टार्ट। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कोरोना के वैक्सीन बनावत रहनी तो ओकर वीडियो बना के डाल दे रहा लोग यूट्यूब पे, सरकार रोक लगा दे रही। अब देखी हालो कैसे पानी से मशीन चली, तारा बाइक के इंजन से हेलीकॉप्टर बना लेके उड़त रही है, का बाइक पे फसल वाला। कि अगर अपना जिंदगी के खुशहाल बनावल चाहता रू तो ओकरा के रिंच पेट कस से जितना हो सके दूर रखिए। जमीन बिछवा दी। अरे बीतल बात पे माटी डाला, तारा खातिर मिस्त्री है, ससुरारी वाला लोग के गीत सुन ले रहा। देखी हालो गिन एक रोज करी है, जीजा जी खोज करी है। हमार नाम बेचन लाल यादव है, अब तक कुंवार बानी। वो खुद तो कुंवार बा और चाहता कि पूरा देश रनवा रहे। अब तारा के बनाई कुंवार वाला हमार क्रिया खाई कौनो 100 दिन के चक्कर में ना पड़ब ना। जो सुने ये रानी तन के छुए के। एक मिनट, हम खाली कपड़ा बदलने बनी, हम धोके छुले नहीं की। ये तो हार क्या है,
अब हमार भौजी झूठा राउर जान ना जब तूफान बने तो राउर पूरा विज्ञान भुला दे हमके भाईल बच्चे से प्यार 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 उबा तो हार रिश्तेदार दार ए मौसा पालगी अरे तोरी माई के तू विज्ञान पुतला हुआ विज्ञान पुतले आइडिया दिन भर इनकर धंधा कर हम अपन मोटर वाक बनेंगे रात में हर मुश्किल से जो अड़ जाए आंधी तूफान से लड़ जाए हर नया खोज करे वाले की दुनिया पागले समझे जाते आज के बाद अगर रिंच पेचकस तो हाथ में दिख गया तो मार भरल मुंह दिख गए पल में पूरी धरती नाप बेकार मरत पड़वा बैरती जैसन हो जाए मैं पूरी धरती नाप सबका बाप अंगूठा छाप अंगूठा छाप सबकर बाप बने के कोशिश कर रहा वैज्ञानिक बन बे है? आविष्कार कर बेटे खास आए अपने हाथे तो अपना अरमान की गला घोट देगा सके हम गांव देहात से हम एक अच्छा पति बन जाए एक अच्छा बेटा बन जाए सब जीवन सफल हो जाए तो यहाँ ये ट्रेलर होता है खत्म काफी इसमें सॉन्ग्स होते हैं लेकिन वो सॉन्ग्स आपको सुनाई नहीं देंगे क्योंकि वो मैं म्यूट करूंगी कॉपीराइट क्लेम के तहत तो काफी अच्छा था जो भी था इसमें काफी न्यू स्टोरी थी एक जो है वो आविष्कार करना चाहते जो कहते ना कि छोटे घर के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते वो कुछ कर नहीं सकते ऐसी कुछ स्टोरी हमारी भी रिलेटेड है बट ठीक है ना आगे बढ़ करके कुछ करना शुरू तो करो आगे जो होगा वो देखा जाएगा बस इसी चीज पे विश्वास करके सभी लोग करते भी है कुछ लोग सक्सेस भी होते हैं जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो अनसक्सेसफुल भी रह जाते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि जिस काम को आप ठानते हो ना उसे अपने हिसाब से मत तोलो कि अरे मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज को कोशिश करो एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी सो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन लोगों को मेहनत करनी है जिन लोगों को कुछ बनना है अपनी लाइफ में वो बीच में ना छोड़े आगे बढ़ते रहे सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन थैंक यू सो मच